मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको जियोलॉजी की ब्रांच स्ट्रक्चरल जियोलॉजी यानी संरचनात्मक भूविज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जॉइंट्स यानी संधि। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना या स्ट्रक्चर है जो चट्टानों में पाया जाता है या पाई जाती है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। बीएससी थर्ड ईयर तथा एमएससी जियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हमने पूर्व के व्याख्यानों में आपको बेडिंग प्लेन, डेप स्ट्राइक्स, फोल्ड्स, फॉल्ट्स, अनकन्फर्मिटी, इनके बारे में जानकारी दी थी। उसी कड़ी में जॉइंट्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होते हैं जो सामान्यतः तीनों प्रकार की चट्टाने अर्थात इग्नस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाई जाते हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं, क्या इनका क्लासिफिकेशन है, किस तरह से इनका ऑकरेंसेस चट्टानों में पाया जाता है, क्लासिफिकेशन में क्या क्राइटेरियाज हैं जिनके आधार पर इनको क्लासिफाई किया जाता है, क्या इनकी सिग्निफिकेंस हैं, इन सब से संबंधित जानकारी आज के इस व्याख्यान में आपको प्रदान की जा रही है। जॉइंट्स आर क्रैक्स और फ्रैक्चर्स दैट डिवाइड द रॉक्स इनटू पार्ट्स और ब्लॉक्स एंड देयर इज नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। जॉइंट्स की डेफिनेशन का जो यहाँ भाव है उसे समझिए। जॉइंट्स आर क्रैक्स और फ्रैक्चर दैट डिवाइड द रॉक्स इनटू पार्ट्स और ब्लॉक्स एंड देयर इज नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, अर्थात चट्टानों के अंदर पाए जाने वाले क्रैक्स या फ्रैक्चर्स जो कि चट्टानों को टुकड़ों में या ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं और जिनमें ब्लॉक्स के अलोंग कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, उन्हें हम जॉइंट्स या संधि कहते हैं। फॉल्ट में और जॉइंट में यही फर्क होता है। फॉल्ट में भी चट्टानों के अंदर क्रैक्स और फ्रैक्चर डेवलप होते हैं और वो ब्लॉक्स में विभेदित हो जाते हैं, बट जॉइंट्स और फॉल्ट में फर्क क्या है कि फॉल्ट में देर इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, फ्रैक्चर फॉलोड बाय रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक्स। या फ्रैक्चर डेवलप हो गया लेकिन देर इज नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जॉइंट्स एंड फॉल्ट्स। फॉल्ट्स अकर इन ऑल टाइप्स ऑफ रॉक एज वेल एज जॉइंट्स ऑल्सो अकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में भी मिलेंगे, इग्नस रॉक्स में भी मिलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी जॉइंट्स मिलते हैं। दे आर लाइक क्लीवेज इन मिनरल्स। खनिजों में जैसे विदलन होता है, क्लीवेज होता है, ठीक वैसे ही चट्टानों में ये जॉइंट्स या संधियां पाई जाती है। अब जॉइंट्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें तीन महत्वपूर्ण है, जॉइंट सेट, जॉइंट सिस्टम और ओपन जॉइंट्स। जॉइंट सेट किसे कहते हैं? जॉइंट सेट जॉइंट दैट शेयर ए सिमिलर ओरिएंटेशन इन द सेम एरिया। किसी एक एरिया में सिमिलर ओरिएंटेशन के जॉइंट्स अगर मिलते हैं, और इट इज़ ए फैमिली ऑफ पैरेलल इवनली स्पेस जॉइंट्स। एक ऐसा फैमिली का ग्रुप जिसमें इवनली स्पेस्ड जॉइंट जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इस तरह का जब कॉन्फिगुरेशन होता है तो उसे हम जॉइंट सेट बोलते हैं। अब जॉइंट सिस्टम क्या होता है? टू और मोर इंटरसेक्टिंग जॉइंट सेट्स इन द सेम एरिया। अभी जो हमने जॉइंट सेट की बात की, ऐसे अगर दो या दो से अधिक जॉइंट सेट है जो इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम जॉइंट सिस्टम बोलते हैं। यानी दूसरे शब्दों में जॉइंट सिस्टम दो या दो से अधिक जॉइंट सेट के एक साथ किसी एरिया में पाए जाने पर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे हम जॉइंट सिस्टम बोलते हैं। ओपन जॉइंट्स
which the block have separated for the small distance to right angle to the fracture surface. ये एक सिंगल ओपन जॉइंट्स किस प्रकार का होता है उसके बारे में जानकारी आपको दी. क्लोज जॉइंट्स क्या होते हैं? देर इज नो सच ए सेपरेशन. जॉइंट्स में बी कैपेबल ऑफ अलाउइंग फ्लूड्स एंड गैस एंड वाटर टू पास थ्रू द रॉक. इस प्रकार के जॉइंट्स को हम क्लोज जॉइंट्स बोलते हैं. स्मॉल जॉइंट्स नेचुरली जो जिनका एक्सटेंशन जिनका साइज आकार छोटा होता है, तो स्मॉल जॉइंट्स आर स्मॉल इन देयर एक्सटेंशन कन्फाइंड टू ओनली वन पार्ट ऑफ ए लेयर. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ए डिसकंटिन्यूअस जॉइंट्स. अब अगली जो डेफिनेशन है वो मास्टर जॉइंट्स. मास्टर जॉइंट्स आर एक्सटेंसिव जॉइंट्स रेफर्ड एज ए कंटिन्यूअस जॉइंट्स. स्मॉल जॉइंट्स को हमने क्या कहा? डिसकंटिन्यूअस, केवल एक छोटे से पोर्शन में होते हैं. जबकि मास्टर जॉइंट्स आर एक्सटेंसिव जॉइंट्स रेफर्ड एज ए कंटिन्यूअस जॉइंट्स. द मोर प्रोमिनेंट कंटिन्यूअस जॉइंट्स आर कॉल्ड एज मास्टर जॉइंट्स. अब इन जॉइंट्स का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे. जॉइंट्स आर रिजल्ट्स फ्रॉम ब्रिटल फ्रैक्चर ऑफ रॉक बॉडी एज द रिजल्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेसेस एंड कंप्रेशन स्ट्रेसेस. दोनों प्रकार के स्ट्रेसेस यानी टेंसाइल स्ट्रेसेस और कंप्रेशनल स्ट्रेसेस के रिजल्ट के कारण जो रॉक बॉडी में ब्रिटल फ्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं उससे जॉइंट्स का निर्माण होता है. When this happens, the rock fractures in a plane parallel to the maximum principal stress and perpendicular to the minimum principal stress. जो stress या strain ellipsoid होता है उसमें हमने देखा कि तीन प्रकार की एक्सिस होती है, maximum principal stress axis, intermediate principal stress axis और minimum principal stress axis. तो यहाँ पर मैक्सिमम और प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस के साथ इनका क्या संबंध है इसे एक बार वापस आपको बताते हैं. जब टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेशनल स्ट्रेस के कारण ब्रिटल फ्रैक्चर रॉक में डेवलप होते हैं तो जो जॉइंट्स रिजल्टेड स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं. व्हेन दिस हैपन द रॉक फ्रैक्चर इन ए प्लेन पैरेलल टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द मिनिमम प्रिंसिपल एक्सिस. यानी जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है उसके तो पैरेलल होता है और जो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होता है, या नीचे चित्र में इनको समझाया गया है. जॉइंट्स आर कॉज इन डिफरेंट रॉक्स ड्यू टू डिफरेंट रीजंस एंड देर इज नो सिंगल थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन. तो उसके लिए फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स को समझाने के लिए तीन प्रकार से हम उनको समझा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग फॉर्मेशन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड क्रस्टल डिस्टर्बेंसेस. पहले हम करेंगे चर्चा कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग फॉर्मेशन. सेडिमेंट्री रॉक्स से संबंधित जब हम बात करते हैं, स्पेशली दोज प्लास्टिक नेचर एंड रिच इन मॉइस्चर इन इनिशियल स्टेजेज अंडर गो सम कॉन्ट्रैक्शन ऑन ड्राइंग अप विच माइट हैव रिजल्टेड इन टू इररेगुलर जॉइंटिंग. जब अवसादी चट्टान बनती है उनमें मॉइस्चर होता है और उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, कब? जब वो ड्राइंग अप होने लगती है, विच माइट हैव रिजल्टेड इनटू इररेगुलर जॉइंटिंग. सिमिलरली इन इग्नियस रॉक्स कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के साथ बाय दिस कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज कॉज द वर्टिकल टाइप ऑफ जॉइंट्स. अब हम दूसरा फैक्टर जो कर रहे हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. Rocks and some other solid expands with rise in temperature and contract on cooling. चट्टाने जब ठंडी होती है तो contract करती है और जब गर्म होती है तो expand करती है. Such repeated expansion and contraction is one of the reason for the joint formation. लगातार इस तरह की घटनाएं होती है, एक तो expansion और contraction की, तो उस कारण चट्टानों में जॉइंट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं. रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन ड्यू टू वेदरिंग और अदर प्रोसेस ऑफ रॉक वेस्टिंग ऑल्सो कॉज एक्सपेंशन ऑफ द अंडरलाइंग रॉक्स. द प्रीवियसली लोड रॉक्स आर गेट रिलैक्स्ड विद द रिलीज ऑफ द फोर्स.
द सीट जॉइंट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजनल अनलोडिंग थ्रू जियोलॉजिकल एजेज. एक लंबे जियोलॉजिकल टाइम के साथ जब इस प्रकार से इरोजनल किसी सरफेस पे अनलोडिंग होती है तो वहाँ पर सीट जॉइंट्स का स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है. तीसरा जो फैक्टर है वो है क्रस्टल डिस्टर्बेंसेज. मैनी जॉइंट टाइप्स स्पेशली दोज एसोसिएटेड विद फोल्डेड एंड फॉल्टेड रॉक्स आर क्लियरली रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ क्रस्टल डिस्टर्बेंसेज दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंट्स. महाद्वीपों के और पर्वतों के निर्माण में जो क्रस्टल डिस्टर्बेंसेज रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें उन इलाकों में फोल्डिंग और फोल्टिंग भी होती है, उनके साथ पाए जाने वाले जॉइंट्स क्रस्टल डिस्टर्बेंसेज के साथ निर्मित होते हैं. इजीली कैपेबल ऑफ एग्जर्टिंग सस्टेंड एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑन रॉक्स दैट वर्चुअली कट देम इनटू स्लाइस. सडन सिस्मिक शॉक्स हैव आल्सो बीन सजेस्टेड बाय सम एज ए पॉसिबल कॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट्स इन मैनी रॉक्स. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ चट्टानों में जॉइंट्स या संधि का निर्माण एकदम से अचानक सिस्मिक शॉक्स लगने के कारण भी निर्मित होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स या संधि के वर्गीकरण पे हम चर्चा करेंगे. जॉइंट्स क्लासिफिकेशन या संधि के वर्गीकरण के भी तीन अलग अलग क्राइटेरिया हैं. पहला है स्पेशियल रिलेशनशिप, दूसरा जियोमेट्री और तीसरा जेनेसिस. स्पेशियल रिलेशनशिप में जॉइंट्स को सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक, जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन में स्ट्राइक जॉइंट, डिप जॉइंट, ऑब्लिक जॉइंट और जिनेसिस के आधार पर टेंशन, शीयर और कंप्रेशनल जॉइंट्स के रूप में इनको क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेशियल रिलेशनशिप. इसमें पहली कैटेगरी है नॉन सिस्टमेटिक जॉइंट्स जो इरेगुलर होते हैं. नॉन सिस्टमेटिक जॉइंट्स और इरेगुलर जॉइंट्स दैट आर सो इरेगुलर इन फॉर्म, स्पेसिंग एंड ओरिएंटेशन दैट दे कैनॉट बी रेडिली ग्रुप्ड इनटू डिस्टिंक्टिव थ्रू गोइंग जॉइंट सेट्स. इन मैनी केसेस दे आर रिलेटेड टू सिस्टमेटिक जॉइंट्स इन दैट दीज अकर बिटवीन देम. यानी सिस्टमेटिक जॉइंट्स के साथ ही बीच बीच में इस प्रकार के इरेगुलर जॉइंट्स पाए जाते हैं तो उन्हें हम नॉन सिस्टमेटिक या इरेगुलर जॉइंट्स कहते हैं. नीचे चित्र में आप देखिए सिस्टमेटिक जॉइंट्स भी दिखाए गए हैं यहाँ पर और नॉन सिस्टमेटिक जॉइंट्स इस एरिया में यहाँ दिखाए गए हैं जो सिस्टमेटिक के साथ ही पाए जाते हैं. सिस्टमेटिक जॉइंट्स आर डिस्टिंक्टली रेगुलर इन देयर ऑकरेंसेस. दे ऑकर इन पैरेलल और सब पैरेलल जॉइंट सेट्स दैट आर रिपीटेड इन द रॉक्स एट रेगुलर इंटरवल बेस्ड अपॉन द एंगल एट विच जॉइंट सेट्स ऑफ सिस्टमेटिक जॉइंट इंटरसेक्ट टू फॉर्म ए जॉइंट सिस्टम. इट कैन बी सब डिवाइडेड इंटू कॉन्जुगेट एंड ऑर्थोगोनल जॉइंट सेट्स. शुरू में हमने जो जॉइंट सेट और जॉइंट सिस्टम की बात की वो टर्म यहाँ वापस आ रही है. तो इस प्रकार के जो सिस्टमेटिक जॉइंट्स हैं जो डिस्टिंक्टली रेगुलर इन ऑकरेंस होते हैं उनको भी आगे दो भागों में बांटा गया है, कॉन्जुगेट और ऑर्थोगोनल. द एंगल एट विच जॉइंट सेट्स विदिन ए जॉइंट सिस्टम कॉमनली इंटरसेक्ट इज कॉल्ड बाई स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट एज ए डाईहेड्रल एंगल्स. इन एंगल्स को डाईहेड्रल एंगल्स कहा जाता है. वेन द डाईहेड्रल एंगल्स आर नियरली 90 डिग्री विद इन ए जॉइंट सिस्टम द जॉइंट सेट्स आर नाउन एज ऑर्थोगोनल जॉइंट सेट्स. जब डाईहेड्रल एंगल 90 के आसपास होता है तो ऐसे जॉइंट सिस्टम को विद इन ए जॉइंट सिस्टम जो जॉइंट सेट है उसको हम ऑर्थोगोनल जॉइंट सेट कहते हैं. एंड व्हेन द डायहेड्रल एंगल्स आर फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री विद इन ए जॉइंट सिस्टम द जॉइंट सेट्स आर नाउन एज कॉन्जुगेट जॉइंट्स. यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ ऑर्थोगोनल है जिनका 90 डिग्री है डायहेड्रल एंगल और यहाँ पर ये कॉन्जुगेट है जिसमें डायहेड्रल एंगल 30 से लेकर 60 डिग्री के बीच में दिखाया गया है. अब हम क्लासिफिकेशन जियोमेट्री के आधार पर डिस्कस करेंगे. इन स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जॉइंट्स आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ देयर एटीट्यूड विद दैट ऑफ रॉक्स इन विच दे आर ऑकर. जब हम रॉक्स के बेड की एटीट्यूड की बात कर रहे थे हमने आपको बताया बेडिंग प्लेन, बेड, डिप, स्ट्राइक, डिप का अमाउंट, डिप का डायरेक्शन, ये सारे एटीट्यूड होते हैं. उस एटीट्यूड के संदर्भ में यहाँ
इसका जियोमेट्रिकली क्लासिफिकेशन होता है। तो उसमें हम स्ट्राइक जॉइंट्स, डिप जॉइंट्स, ऑब्लिक जॉइंट्स और बेडिंग जॉइंट्स, चार प्रकार के कैटेगरी हैं। स्ट्राइक जॉइंट्स, इन विच जॉइंट सेट्स स्ट्राइक पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड स्ट्राइक जॉइंट्स। जिन चट्टानों में जॉइंट्स पाए जा रहे हैं उनका ओरिएंटेशन रॉक्स की स्ट्राइक के डायरेक्शन के पैरेलल है तो उन्हें हम स्ट्राइक जॉइंट्स कहेंगे। अर्थात स्ट्राइक जॉइंट्स इन विच जॉइंट सेट्स स्ट्राइक पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड स्ट्राइक जॉइंट्स। जबकि चट्टानों में उसके डिप के सापेक्ष हैं तो उन्हें हम डिप जॉइंट कहेंगे। और अगर जॉइंट नाइदर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइक नॉर इन द डायरेक्शन ऑफ डिप है तो उसे हम ऑब्लिक जॉइंट्स कहते हैं। और अगर बेडिंग के पैरेलल है तो उन्हें हम बेडिंग जॉइंट्स कहते हैं। तो डिप जॉइंट्स दैट आर पैरेलल टू द डिप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड डिप जॉइंट्स। ऑब्लिक जॉइंट्स आर विच रन इन डायरेक्शन दैट लाइज बिटवीन द स्ट्राइक एंड डिप डायरेक्शन ऑफ द रॉक बेड्स आर कॉल्ड ऑब्लिक जॉइंट्स। एंड बेडिंग जॉइंट्स इन स्ट्रेटिफाइड रॉक्स सम जॉइंट्स मे प्रेजेंट एसेंशियली पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स दे रेफर्ड एज बेडिंग जॉइंट्स। यहाँ इस चित्र में आप देखिए बताया गया है कि ये टेंसल जॉइंट्स यहाँ पर, ये डिप जॉइंट्स, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सिस की हमने बात की थी, ये ऑब्लिक जॉइंट्स और ये स्ट्राइक जॉइंट्स। जो स्ट्राइक के पैरेलल है वो स्ट्राइक जॉइंट्स, जो डिप के पैरेलल है वो डिप जॉइंट्स, और जो इन दोनों के पैरेलल नहीं होकर तीसरी डायरेक्शन में है तो उन्हें हम ऑब्लिक जॉइंट्स कहते हैं। और दोनों साइड में ये आपको डायग्राम में बताया गया है। अब जेनेसिस, उत्पत्ति के आधार पर जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन या संधियों का उत्पत्ति के आधार पर क्या से वर्गीकरण होता है, तो बेस्ड ऑन जेनेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन जॉइंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एट्रीब्यूट ए पर्टिकुलर टाइप और ग्रुप और सिस्टम और जॉइंट्स टू एन एग्जैक्ट कॉज ऑफ ओरिजिन। इट शुड बी कैप्ट इन माइंड दैट डिफरेंट जॉइंट्स इन द सेम आउटक्रॉप मे हैव फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स एंड फॉर डिफरेंट रीजंस। सम प्रीडोमिनेंट फोर्सेज लाइक कंप्रेशनल और टेंशनल दैट इज सीयर्स फोर्सेज हैज बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट्स। बाय द वे जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग जेनेटिक टाइप्स। अब उनके लिए रेस्पॉन्सिबल दो तरह से हो सकते हैं, आइदर कंप्रेशनल फोर्सेज या टेंशनल और सीयर फोर्सेज। टेंसाइल स्ट्रेस के बदौलत फॉल्ट अगर ये जॉइंट्स अगर डेवलप होते हैं विच हैव डेवलप्ड ड्यू टू टेंसाइल फोर्सेज, कॉमन लोकेशन फोल्डेड सीक्वेंस इज ऑन द आउटर मार्जिन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, ऑल्सो प्रोड्यूस इन इग्नस रॉक्स ड्यूरिंग देयर कूलिंग। जॉइंट्स प्रोड्यूस इन मेनी रॉक्स ड्यूरिंग वेदरिंग ऑफ ओवरलाइंग स्ट्रेटा एंड सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ स्ट्रेसेस बाई एक्सपेंशन आर ऑल्सो थॉट ड्यू टू टेंसाइल फोर्सेज। तो पहला उत्पत्ति के आधार पर टेंसाइल स्ट्रेसेस के कारण अगर उनकी उत्पत्ति होती है। दूसरा सीयर जॉइंट्स, दीज आर फाउंड मेनली ड्यू टू सीयरिंग स्ट्रेसेस, दे ओरिजिनेटिंग इन फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ रॉक्स बॉडीज इन फोल्डेड रीजन, दे आर लोकेटेड इन एक्सियल रीजन्स। वहाँ पर हमने ट्रफ और क्रस्ट पार्ट में देखा, यहाँ एक्सियल रीजन में। कंप्रेशनल जॉइंट्स, रॉक्स मे बी ऑफ कंप्रेस्ड टू क्रशिंग एंड न्यूमरस जॉइंट्स मे रिजल्ट ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्सेज इन दिस केस। इन द कोर रीजन ऑफ फोल्ड्स वेयर कंप्रेसिव फोर्सेज आर डोमिनेंट सो इट मे बी रिलेटेड टू कंप्रेसिव फोर्सेज, क्रॉस जॉइंट्स जो कि कोर रीजन में पाए जाते हैं। ये इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टेंशनल जॉइंट्स को दिखाया, यहाँ सीयर जॉइंट्स और कंप्रेशनल जॉइंट्स, इनको दिखाने की ये डायग्राम प्रदर्शित करते हैं। अब ये ऑकरेंस इनकी कैसी होती है जॉइंट्स की या संधियों का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जॉइंट्स आर मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रॉक्स। इट इज रेयर टू फाइंड एनी बिग रॉक मार्क्स ऑन द सरफेस फ्री फ्रॉम जॉइंट्स। कोई भी चट्टान में पाए जा सकते हैं और बहुत कम ऐसी स्थिति होती है कि किसी हम चट्टान को कहें कि ये जॉइंट से फ्री है। लगभग अमूमन हर चट्टान के साथ जॉइंट्स का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। रॉक्स ऑफ ऑल थ्री मेन क्लासेस दैट इज इग्नस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स सो वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब इग्नस रॉक्स में
इग्नियस रॉक्स आर फाउंड बाय कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन मटेरियल कॉल्ड मैग्मा और लावा. इन मोस्ट केसेस दे शो जॉइंट सिस्टम्स रिलेटेड टू द टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलपिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन. अग्नि चट्टानों में चूंकि कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन होता है तो टेंसाइल स्ट्रेसेस के कारण उनमें जॉइंट्स डेवलप होते हैं. थ्री रेगुलर सिस्टमेटिक टाइप्स आर सीट जॉइंट्स, कॉलमनर जॉइंट्स एंड मुरल जॉइंट्स. सीट जॉइंट्स एंड एक्सफोलिएशन इन ग्रेनाइट्स एंड अदर रिलेटेड इग्नियस रॉक्स ए हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ जॉइंट्स ऑफन डिवाइड द रॉक मार्क्स इन सच ए वे एज टू गिव इट एन अपीयरेंस ऑफ ए लेयर्ड सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ए सीटिंग जॉइंट्स. अब ग्रेनाइट्स के अंदर ये सीट जॉइंट्स पाए जाते हैं, जैसे अपने बेड सीट होती है ठीक उसी तरह से ये सीट्स पर्टिकुलर पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सीट्स हो जाती है जो कि अवसादी चट्टानों का करैक्टर होता है. बट यहाँ ग्रेनाइट्स में भी इस प्रकार की सीट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिन्हें हम सीट जॉइंट्स बोलते हैं. इट कॉज ड्यू टू वेदरिंग एंड रिमूवल ऑफ द ओवरलाइंग रॉक मासेस विच कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ द अंडरलाइंग इग्नियस रॉक्स एज ए कंसिक्वेंसेज ऑफ अनलोडिंग. तो ग्रेनाइट या कोई भी आग्नेय चट्टान है उसका ऊपर से वेदरिंग होता है रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग रॉक मास के कारण, नीचे का जो एक्सपेंशन हो जाता है अंडरलाइंग रॉक्स का और ऊपर से अनलोडिंग होने के कारण इस प्रकार की सीट जॉइंट्स या एक्सफोलिएशन के कारण ये संरचना निर्मित होती है. दैट लाइज सब पैरेलल टू द टोपोग्राफी. यहाँ इसमें आप चित्र में देख सकते हैं सीट जॉइंट्स, नंबर ऑफ सीट्स किस प्रकार से इसमें प्रदर्शित की गई है. देन वी विल टॉक अबाउट मुरल जॉइंट्स. इन ग्रेनाइटिक रॉक मासेस थ्री सेट ऑफ जॉइंट्स में अकर इन सच ए वे वन सेट इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर सेट्स आर वर्टिकल. जब तीन सेट्स में जॉइंट्स मिलते हैं और उनमें से एक सेट हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल होते हैं तो वो मुरल के आकार के जॉइंट्स की संरचना प्रदर्शित करते हैं. ऑल थ्री सेट्स बीइंग म्यूचुअली राइट एंगल टू ईच अदर. दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स डिवाइडिंग द रॉक मार्क्स इंटू ए क्यूबिकल ब्लॉक्स. हम जो क्यूबिकल गेम खेलते हैं ठीक वैसा ही क्यूबिकल ब्लॉक्स के रूप में ये दिखता है. तो दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स डिवाइडिंग द रॉक मास इनटू क्यूबिकल ब्लॉक्स और मुरल्स इज कॉल्ड एज मुरल जॉइंट्स. यहाँ इसमें आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जैसे हम क्यूबिकल गेम खेलते हैं ठीक वैसे ही यहाँ पर हम इसमें देख सकते हैं किस तरह से मुरल जॉइंट्स की संरचना चट्टानों में प्रदर्शित होती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉलमनर जॉइंट या स्तंभी संधि. जो कॉलम्स होते हैं जैसे म्यूजिकल कॉलम्स होते हैं, म्यूजिक का सिस्टम जो हम देखते हैं उसमें कॉलम लगे होते हैं, बड़े बड़े खड़े कॉलम होते हैं, ठीक ऐसे ही कॉलम्स चट्टानों में भी पाए जाते हैं. तो टिपिकल वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स ऑल्सो कॉल्ड प्रिज्मेटिक जॉइंट्स. दीज जॉइंट्स स्प्लिट्स ए रॉक बॉडी इंटू लॉन्ग प्रिज्म और कॉलम्स. द डायमीटर ऑफ दीज प्रिज्मेटिक कॉलम्स रेंज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू सेवरल मीटर्स एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेंसाइल फोर्सेज ड्यूरिंग कूलिंग. तो इसी प्रकार आग्नेय चट्टानों में कूलिंग के कारण जो कॉन्ट्रेक्शन होता है तो उसमें इस प्रकार की टिपिकल जॉइंटिंग जो कि एक कॉलम के सदृश नज़र आता है आगे चित्र में हम आप देखेंगे उसको, तो ऐसे जॉइंट्स जब बनते हैं तो उन्हें हम कॉलमनर जॉइंट्स कहते हैं. यहाँ इसमें आप देखिए किस प्रकार से कॉलम, यहाँ पे भी इस एरिया में आप देखिए कॉलमनर जॉइंट्स हैं. ये कॉलम दिख रहे हैं, ये यहाँ इसमें भी कॉलम दिख रहे हैं, यहाँ इसके नीचे सेक्शन कटिंग में इस तरह से कॉलम्स दिख रहे हैं. तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कॉलमनर जॉइंट्स. इसमें भी उसका सेक्शन काट के आप इस डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार से इनका निर्माण होता है. आग्नेय चट्टानों के बाद अवसादी चट्टानों में किस प्रकार से जॉइंटिंग पाए जाते हैं. मोस्ट सेडिमेंटरी रॉक्स आर प्रोफ्यूजली सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक क्लासेस. जॉइंट्स में भी क्लोजली और रेगुलरली स्पेस्ड इन दीज रॉक्स. सिंस सेडिमेंटरी रॉक्स आर ऑफन फोल्डेड एंड फॉल्टेड दीज आर जेनेटिकली रिलेटेड टू दोज फोर्सेज कॉजेज मेजर डिफॉर्मेशंस. इन डीपली स्ट्रेटिफाइड रॉक्स रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग स्ट्रेटा ड्यू टू वेदरिंग गिव राइज टू कंप्रेशन एंड टेंशन फोर्सेज दैट मे कॉज रेगुलर और इरेगुलर जॉइंट्स. इन सम केसेज जॉइंट्स में डेवलप पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स दैट आर कॉल्ड एज बेडिंग प्लेन्स. जॉइंट बेडिंग जो कि हमने आगे आपको पहले बताया, तो इस प्रकार से सेडिमेंटरी रॉक्स में भी ये पाए जाते हैं. यहाँ इस उदाहरण में आप देखिए सैंडस्टोन
वाज अपलिफ्टेड बाय राइजिंग सॉल्ट डोम कॉजिंग फ्रैक्चर्स जॉइंट सिस्टम इन रेजिस्टेंट सैंडस्टोन। यहाँ इस चित्र में आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कैसे जॉइंट्स जो हैं डेवलप हो जाते हैं अवसादी चट्टानों में यानी बालूकास्ट में या सैंडस्टोन में। अनलोडिंग जॉइंट्स अदरवाइज कॉल्ड एज रिलीज जॉइंट्स फॉर्म्ड नियर द सरफेस ड्यूरिंग अपलिफ्ट एंड इरोजन। एज बेडेड सेडिमेंटरी रॉक्स आर ब्रॉट क्लोजर टू द सरफेस ड्यूरिंग अपलिफ्ट एंड इरोजन दे कूल कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम रिलैक्स्ड इलास्टिकली। These causes stress build-up that eventually exceeds the tensile strength of the bedrock and result in the formation of jointing. तो ये release joint जो है sedimentary rocks के upliftment और उसके erosion के साथ activity के कारण contract cooling of sediments elastically और उसके साथ इनका निर्माण होता है। In the case of unloading joints, compressive stress is released either along pre-existing structural elements such as cleavage or perpendicular to the former direction of tectonic compression. तो ये जो unloading joints है उसमें compressive stress is released either along pre-existing structural element or perpendicular to the former direction of tectonic compression, जो नीचे चित्र में समझाने की कोशिश की गई है। अब हम कायंत्रित चट्टानों में joints के बारे में चर्चा करेंगे। हैवीली जॉइंटेड इन मैनी केसेज मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हैवीली जॉइंटेड पाई जाती है। दे आर इरेगुलर और नॉन सिस्टमेटिक टाइप्स रिजल्ट ऑफ लोकल एंड रीजनल स्ट्रेसेज एक्टिंग ऑन रॉक्स एज ए सोर्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। इन मैनी केसेज द मेटामॉर्फिक रॉक्स में हाउ दोज जॉइंट्स विच वर प्री एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ मेटामॉर्फिज्म ऑफ द रॉक विथ लिटल और नो मॉडिफिकेशन। यानी जो चट्टान कायंत्रित हुई है जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक चाहे वो इग्नेस हो चाहे वो सेडिमेंट्री हो या खुद मेटामॉर्फिक लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक हो उनमें प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स में ही अगर जॉइंट्स हैं तो वो उसमें कायंत्रित होने के बाद भी उसको फॉलो करते हुए अगली मेटामॉर्फिक रॉक में भी पाए जाते हैं। अब हम इनके महत्व या सिग्निफिकेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। संधि क्यों महत्वपूर्ण है जॉइंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इनके साथ जॉइंटिंग प्लेन्स जो होते हैं जॉइंट्स जहाँ होते हैं उनमें एक तो मिनरलाइजेशन पाया जाता है एक गुड प्रीमिएबल लेयर फॉर एक्वीफर जो चट्टान एक्वीफर के रूप में उसमें होती है अगर उनमें जॉइंट्स पाए जाते हैं तो वो परमिएबल हो जाती है। तो परमिएबल यानी उसमें पानी जो है वो आराम से मूव कर सकता है इकट्ठा हो सकता है। एक्ट एज ऑयल एंड गैस रिजर्वायर अगर नीचे चट्टानों में जैसे अवसादी चट्टानें हैं और उनमें अगर जॉइंट्स हैं तो वो ऑयल और गैस के रिजर्वर के रूप में भी जॉइंट्स वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इट हेल्प्स इन सेकेंडरी माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जैसे ग्राउंड वाटर है पोल्यूटेंट्स विद इन एक्विफर्स है पेट्रोलियम इन रिजर्वायर्स एंड हाइड्रोथर्मल सर्कुलेशन एट डेप्थ विद इन बेड रॉक। ये सारे जॉइंटेड प्लेन्स के अलॉन्ग ये ऐसी माइग्रेशन होती है। जॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट टू इकोनॉमिक एंड सेफ डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोथर्मल एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड द सब्जेक्ट ऑफ इंटेंसिव रिसर्च रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज कंट्रोल वेदरिंग एंड इरोजन। जॉइंट्स के कारण वेदरिंग और इरोजन भी नियंत्रित होती है और जैसा कि अभी ऊपर बताया अगर चट्टानों में जॉइंट्स हैं तो वो एक्विफर को परमिएबल लेयर के रूप में उपलब्ध कराते हैं ग्राउंड वाटर और हाइड्रोकार्बन्स के सेकेंडरी माइग्रेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट टू द इकोनॉमिक एंड सेफ डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोथर्मल एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड द सब्जेक्ट ऑफ इंटेंसिव रिसर्च रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस रिसोर्सेज जैसा अभी पहले भी बताया। अंडरस्टैंड द जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ लोकल एरिया In hilly regions, joints get easily lubricated due to the moisture and start sliding, cause landslides. अगर hilly क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ अगर joints हैं तो due to lubrication, moisture conditions में वहाँ भूस्खलन या landslides होने की संभावना भी ये पैदा कर देते हैं। अब हम इंजीनियरिंग कंसिडरेशन करेंगे
जॉइंट्स से संबंधित। तो इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं, सोर्स ऑफ वीकनेस एंड एज पाथवे ऑफ लीकेज ऑफ वाटर थ्रू रॉक्स। अगर कि कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हम हाथ में लेंगे और वहाँ उस क्षेत्र में अगर जॉइंटेड हैं, जॉइंट्स हैं, तो वो उसकी मेरिट्स को प्रभावित करते हैं। प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स लीड्स टू लीकेज ऑफ वाटर इन डैम्स एंड रिजर्वायर, समटाइम इट इवन लीड्स टू कोलैप्स। जहाँ डैम्स और रिजर्वायर का काम हो रहा है, वहाँ अगर उसमें हमने जॉइंट्स को ढूंढने में गलती कर दी, नहीं ढूंढ पाए, तो वहाँ वो जॉइंट्स जो हैं वो लीकेज को प्रभावित करते हैं और हमारा पूरा जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है उसको भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इन ओपन कास्ट माइनिंग बेंचेज शुड बी फ्री फ्रॉम जॉइंट, अदरवाइज इट लीड्स टू कोलैप्स एंड लीकेज। ओपन कास्ट माइनिंग में जो बेंचेज होती हैं वो जॉइंट से फ्री होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे भी कोलैप्स होने की संभावना रहती है। इन ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन, पर्टिकुलरली इन हार्ड रॉक टेरेंस, जॉइंट स्ट्राटा रीजन्स आर जनरली कंसिडर्ड एज ए प्रोबेबल साइट्स फॉर ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन। यहाँ ये एकदम उसका रिवर्स है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में जब ये होते हैं तो उसको नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन में नीचे किसी एरिए पे सब सरफेस में अगर चट्टानों में जॉइंट्स पाए जाते हैं तो वो पानी भूमिगत जल को उपलब्ध कराने में फेवरेबल कंडीशंस को निर्माण कर सकते हैं, यहाँ वो उसकी मेरिट को बढ़ाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वेरिंग ऑपरेशंस ऑफ बिल्डिंग एंड डायमेंशन स्टोन्स। माइनिंग में भी डायमेंशनल स्टोन्स के, बिल्डिंग स्टोन्स के ऑपरेशन जब हम क्वेरीज में से करते हैं तो वहाँ पे भी जॉइंट्स को आसानी से दोहन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन जॉइंट्स आर वाइडली स्पेस्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली यील्ड लार्ज ब्लॉक ऑफ रॉक्स रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग एंड मेसनरी कंस्ट्रक्शंस। प्रेजेंस ऑफ ऑर्थोगोनल जॉइंट्स इन ग्रेनाइट विल हेल्प्स इन इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल क्वेरिंग। तो अगर वहाँ जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स ग्रेनाइट की चट्टानों में, खदानों में पाए जा रहे हैं, तो उनके अलॉन्ग आसानी से उनको माइन आउट करके जॉइंट्स के अलॉन्ग उसको ईजिली उसका खनन किया जा सकता है। इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जनरली यील्ड क्लोज जॉइंट्स। ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स आर क्वेरीड अलॉन्ग द जॉइंट पैटर्न। ए वेल जॉइंटेड रॉक मास इज कंसिडर्ड ए वीक रॉक। बहुत ज़्यादा अगर चट्टानों में खूब सारे जॉइंट्स हैं तो फिर वो वीक चट्टान के रूप में उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जॉइंट स्ट्रेटा इन टनल एक्सकेवेशन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द रूफ एंड फ्लोर बिसाइड्स एडेड ग्राउंड वाटर सीपेज प्रॉब्लम्स। ऐसे ही अगर हम कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में टनल के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर जॉइंट्स हैं तो वो उसके टनल एक्सकेवेशन में रूफ और फ्लोर के एरियाज में इनकी उपस्थिति उसकी मेरिट को कम कर देते हैं और वहाँ ग्राउंड वाटर सीपेज की समस्या हो सकती है। एज ए रिजल्ट जॉइंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इन प्रैक्टिस एंड रिसर्च। इसलिए किसी भी जियो टेक्निकल या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में अगर हम काम करते हैं तो उस समय हमको जॉइंट्स के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। यहाँ आप इस चित्र में देखिए, एक खदान है, उस खदान में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से जॉइंट्स स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं, तो इनके अलॉन्ग आसानी से खनन को किया जा सकता है, जैसा कि अभी पहले हमने ग्रेनाइट के बारे में आपको बताया। अब ये कुछ चित्र हैं जो गूगल के द्वारा, इसमें से कुछ कॉपीराइट भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आपको एकेडमिक इंटरेस्ट में पढ़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो उनको ड्यू एक्नॉलेज करते हुए ये कुछ चित्र, जिससे आप समझ सकते हैं कि फील्ड में जॉइंट कैसे दिखते हैं। यहाँ देखिए, डोमिनेंट जॉइंटिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी आप देखिए डोमिनेंट जॉइंट्स किस प्रकार से स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ इस चित्र में भी आप देखिए, बहुत बड़ा आउटक्रॉप है, बड़ा हिली रीजन है, उसमें आप देखिए कि दो लेयर में अलग से यहाँ एक ये डिवीज़न हो गया, यहाँ पे भी आप देखिए जॉइंट्स दिख रहे हैं और नीचे भी यहाँ जॉइंट्स दिख रहे हैं। तो ये किस प्रकार से फील्ड में दिखते हैं उन चित्रों से आपको समझाया गया। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट जॉइंट्स, किस तरह से जॉइंट एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, क्या उनका वर्गीकरण है, क्या उनका उपयोग है, क्या उनका क्लासिफिकेशन है, इस बारे में आपको जानकारी दी। इसमें सोर्स जिसका उपयोग किया गया उसको भी यहाँ एक्नोलेज किया गया है, और जैसा मैंने कहा कुछ फ़ोटो जो आपको समझाने के लिए गूगल सर्च के द्वारा जो लिए गए उनका इस्तेमाल इसमें किया, उनको भी एक्नोलेज किया जा रहा है। आप इस व्याख्यान को जो कि महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा उसे देखें, सुने, समझें।
और इस व्याख्यान की PDF आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की जाएगी, और उसके साथ ही इस व्याख्यान से संबंधित असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है, उसे भी आप सॉल्व करें, अपने नोट्स बनाएं और घर बैठे अपने अध्ययन को यथावत